तो दोस्तों BDL यानी कि भारत डायनामिक लिमिटेड ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस के लिए लाख में दिया गया है, मैं आपको क्रोर्स में कन्वर्ट करके समझाता हूँ ऐसे क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने लगभग 6 से 1 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू, पिछले साल 796 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ गए 854 करोड़ के आसपास आपको देखने मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 7% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 42% के आसपास की तेजी आपको दिख रही है। तो क्वार्टर क्वार्टर साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 500 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 629 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 554 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला है। तो कंपनी के खर्चे देखें तो कंपनी के खर्चे बहुत कम आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर कुछ ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिल रहे, 8% के आसपास की तेजी है, लेकिन कंपनी के खर्चे देखें तो साल दर साल कंपनी के जो खर्च है वो बहुत कम आपको देखने वाला है। उसका मेन रीज़न है कंपनी का इन्वेंट्री, क्योंकि इस क्वार्टर में कंपनी को इन्वेंट्री के नाम पे 342 करोड़ का फायदा हुआ है, जबकि पिछले साल 129 करोड़ के आसपास का नुकसान भी हुआ था। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 135 करोड़ के आसपास था, पिछले साल 152 करोड़ के आसपास, अभी देखें तो बढ़ गए 288 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर ऑलमोस्ट 95% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर भी कंपनी का प्रॉफिट डबल से भी ज़्यादा होता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के EPS क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 3.68 रुपये के आसपास, पिछले साल 4.17 रुपये, अभी देखो तो 7.88 रुपये के आसपास आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नंबर तो अच्छे आपको देखने को मिला, हालांकि थोड़ा सा एडजस्टमेंट है इन्वेंट्री के नाम पर, जिसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको इतना बड़ा देखने को मिल रहा है, लेकिन ओवरऑल देखें तो कंपनी नंबर अच्छे देखने को मिला। रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिला। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।